आज हम बात करते हैं सोलार के रेसिडेंशियल BOM मटेरियल के बारे में। तो मैंने कुछ लोगों को देखा है कॉस्ट कटिंग करने के चक्कर में पतला बेस प्लेट यूज करते हैं और चाइना सैडल यूज करते हैं और साथ ही साथ प्लास्टिक केबल टाई यूज करते हैं। तो आइए इसे समझते हैं थोड़ा डिटेल में। जैसे कि हमने एक वीडियो में बात किया है फैब्रिकेशन मटेरियल के बारे में, वहां पे आप कौन सी साइज या कौन सी क्वालिटी यूज कर रहे हैं वो सब वेस्ट होगा अगर आपका बेस प्लेट ही मजबूत नहीं है। तो मैंने देखा है लोग प्लास्टिक की केबल टाई यूज करते हैं जिसकी लाइफ अप्रोक्स 12 से 15 महीने होती है, उसकी जगह पे हमें SS की केबल टाई या GI का तार यूज करना चाहिए। और बात करें हम सैडल की तो चाइना सैडल की जगह पे हमें GI सैडल यूज करना चाहिए जिससे आपके सिस्टम के एसेसरीज की लाइफ लॉन्ग समय तक बनी रहे और मेंटेनेंस खर्च कम हो। तो अपने सोलार सिस्टम को लंबे समय तक कम खर्चे में कैसे मेंटेन रखें, ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए हमें फॉलो करें क्योंकि सोलार है जहां सनटेक है वहां।